हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे कि मंडे को किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करने वाला है, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 21 जनवरी का, कि 21 जनवरी को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे, मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर हमें सपोर्ट दिखाई दिया एग्जैक्ट 37,200 पे। मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन इसी जोन में हमें सपोर्ट दिखाई दिया। एक पर्टिकुलर जोन होता है जो कि यहां पे आपको ये सीधा सीधा यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान दोगे, इस जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ यहां पे दिखाई दिया। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है कि बार बार मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है और एज ए सपोर्ट मार्केट आपको यहां पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है, एक तो 37,200 जो कि आपको मंडे के लिए भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये वाला जोन जो कि है 37,700 पे। यहां पे इस जोन में मार्केट पहले भी गया था और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से गिरावट दिखाई और फिर से आपको मार्केट इसी जोन में दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये क्या काम करने वाला है, एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट भी मिल रहा है तब भी आपको इसे एज ए रेजिस्टेंस समझ के चलना है, क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर सस्टेन न करे, मार्केट नीचे ही चला जाए, लेकिन अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो तब आप इसे एज ए सपोर्ट मान के चलेंगे। क्लियर रहेगा, जब तक प्राइस सस्टेन ना करे भले ही मार्केट इससे ऊपर हो, ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। क्लियर है। अब यहां पे मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, मैंने आपको हमेशा कहता हूं, ना तो मार्केट लगातार ऐसे जा सकता, ऊपर जा सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं उन्हें प्रॉफिट बुक करना लग पड़ेगा, उस वजह से मार्केट नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट चलता है। नहीं, मार्केट लगातार नीचे गिर सकता, क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वे भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ता है, और इसलिए मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस पूरे जोन में आप देखेंगे, इस दिन भी रेड रहा, इस दिन भी रेड रहा, इस दिन भी रेड रहा, भले आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हो, लेकिन मार्केट यहां पे भी नेगेटिव बना रहा। यानी कि लगातार मार्केट वन साइडेड जा रहा है, और ऐसा जरूरी नहीं होता, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो आपको ध्यान रख के चलना है। हो सकता है आपको मंडे को एक मोमेंटम मिल जाए, या फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वन साइडेड मार्केट कभी भी नहीं जाता। जैसे कि आप इस जोन में देखिए, लगातार मार्केट गिरता जा रहा था, नहीं हो सकता यहां पे एक मोमेंटम आया। इस पूरे जोन में देखिए, लगातार मार्केट पॉजिटिव जाता जा रहा था, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लगातार एक साथ ही मार्केट ऐसे नहीं जा सकता, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मंडे को ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इसे आपको गलत लेके नहीं चलना, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसी बेस पे ही बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता, और ये खासकर वे लोग करते हैं जो बिगनर्स होते हैं। किसी भी मार्केट में बाइंग करना या सेलिंग करना सिर्फ एक ही बात के भरोसे बिल्कुल भी करना बेवकूफी होता है। आपको इसमें बहुत चीजें कंबाइन करनी होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप इसमें प्राइस एक्शन मिक्स करो, आप इसमें पिवट पॉइंट मिक्स करो, आप इसमें ऑप्शन चेन मिक्स करो, आप वॉल्यूम देखो, नजदीकी सपोर्ट देखो, नजदीकी रेजिस्टेंस देखो, ब्रेकआउट मिल रहा है उसे देखो, ब्रेकडाउन मिल रहा है उसे देखो। काफी चीजें कंबाइन करके जो एक कॉन्क्लूजन निकलता है, उसी के बाद कोई भी बाइंग या सेलिंग की जाती है। सिर्फ एक बात के भरोसे ही कि आपने ऐसा बोला था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, हमारा इतना लॉस हो गया, या आपने ऐसा बोला था हमने वैसा कर दिया तो ये हो गया, मतलब इस बेसिस पे नहीं होता। क्लियर है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको कहूंगा कि अवॉइड करो इन चीजों को, पहले लर्निंग करो। क्लियर है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे अगर आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 37,800 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,000 पे, हमें एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। बात करें अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी की, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है,
ये 37,200 पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे आपको अगला सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 37,738 है जो कि आप देखेंगे 21st का हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 37,500 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 37,871। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे 38,092 है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 38,226। वहीं पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है जो हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है यह है 37,512। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है यह है 37,295। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है यह है 37,000। यहां पे आप देखेंगे इस तरह के आपको सपोर्ट यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है 27 जनवरी की। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखेंगे सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे आप देखेंगे 21.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 38,200 पे जहां पे आप देखेंगे 6.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 11.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे जहां पे आप देखेंगे 13.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।